नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत कुमार जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो मुख्यतः यूपीएससी मुख्य परीक्षा और स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष एक डिस्कशन हम लोग लेके आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे डिस्कशन के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो भी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो उपनिवेशवाद के संदर्भ में है। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि उपनिवेशवाद होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग ये जानेंगे कि आखिर साम्राज्यवाद क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के मध्य अंतर संबंध क्या है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उपनिवेशवाद के भारतीय संदर्भ में विभिन्न चरण क्या हैं, है ना। देखिए, उपनिवेशवाद के भारतीय संदर्भ में जो विभिन्न चरण हैं उनका जो बात किया गया है वो एक इतिहासकार है रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक में जिसका नाम है इंडिया टुडे, इंडिया टुडे में भारतीय संदर्भ में जो आपका उपनिवेशवाद है उसको तीन चरणों में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले आपका आता है कि उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, उसके बाद आपका आता है उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, उसके बाद आपका आता है कि उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद का जो वाणिज्यिक चरण है उसको वर्गीकृत किया है सन 1757 से 1813 के बीच। इसी प्रकार से रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण को वर्गीकृत किया है 1813 से 1858 के बीच। इसी प्रकार से रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय संदर्भ में उपनिवेशवाद का जो अंतिम चरण है जिसको नाम दिया गया वित्तीय चरण, वित्तीय चरण को वर्गीकृत किया गया है 1858 से आगे की ओर। ठीक है, तो हमें ये डिस्कस करना है और इसका तरीका क्या होगा। इसका तरीका ये होगा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के मध्य अंतर संबंध क्या है। फिर अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण क्या है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण क्या है, और अंत में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण क्या है। कुल मिलाकर के ये पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है आपको चार लेक्चर्स के माध्यम के आपके समक्ष आएगा, और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि विशेषकर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष एक ऐसा कच्चा माल आपको दिया जाए, ठीक है, जिसका सहारा लेते हुए आप लोग मुख्य परीक्षा में अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न आपको मिलता है तो उस प्रश्न को आप लोग बहुत आराम से डील कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को बहुत आराम से आपको देखना है, चीज़ों का आपको समझने की कोशिश करनी है। जिन शब्दों का प्रयोग मैं यहाँ पे करूँगा उन शब्दों को आपको वीडियो को बार बार देख के आपको समझना है, और कुछ जो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँगा तो उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से आपको उनका एक सिनॉप्सिस बना लेना है ताकि कच्चे माल के रूप में वो आपके समक्ष हमेशा उपलब्ध रहे। आइए देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा वही है जिसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद, है ना। मैं एक बार फिर आपको इस संदर्भ में डिक्टेट कर देता हूं कि टॉपिक का नाम हमारा क्या है, उपनिवेशवाद है, और उपनिवेशवाद को आप क्या कह सकते हैं, कॉलोनियलिज्म। तो करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, हमें करना यहाँ पे ये है कि हमें देखना है कि उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म का सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ क्या है। ठीक है, नंबर एक पे हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, और नंबर दो पे हम इसी के साथ जोड़ देंगे कि एक शब्द आपको मिलेगा जिसका नाम है साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, जिसका नाम क्या आपके सामने, साम्राज्यवाद। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि साम्राज्यवाद का आखिर अर्थ क्या है, और फिर हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे आखिर जो साम्राज्यवाद है वो उपनिवेशवाद के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है।
अगली बात हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण हैं, उपनिवेशवाद के जो आपके विभिन्न चरण हैं जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था, कि इन विभिन्न चरणों को भी हमें डिस्कस करना है और इनके अंदर की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी भी और विशेषकर मुख्य परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हद तक लाभान्वित भी ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो आइए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया है कि टॉपिक का नाम है आपके सामने उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म। तो आपको पहले हमें ये समझना है कि उपनिवेशवाद जो है इसका अर्थ क्या होता है, आखिर हम इस शब्द को किस प्रकार से डील कर सकते हैं। ठीक है क्या, मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ कि उपनिवेशवाद के संदर्भ में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो या आप इसके अर्थ को समझना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसके संदर्भ में पहले आपको एक कच्चा माल दे देता हूँ। पहले मैं आपको एक कच्चा माल दे देता हूँ, ठीक है, और ये कच्चा माल विश्वास कीजिए इतना लाभान्वित आपके लिए रहेगा कि आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी कंडीशन में उपनिवेशवाद को बहुत आसानी से लोगों को समझा सकते हो या अपने लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, खासकर मुख्य परीक्षा में। उसके मेरे पास लाइनें हैं, ये लाइनें क्या हैं देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद, ये लाइनों को आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना है। उपनिवेशवाद मूलतः, उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। उपनिवेशवाद मूलतः एक क्या है, आर्थिक संबंध है, एक आर्थिक संबंध है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि उपनिवेशवाद में विकास शब्द, उपनिवेशवाद में जो विकास शब्द होता है, विकास शब्द भ्रम पैदा करने वाला होता है। उपनिवेशवाद में जो विकास शब्द होता है वो भ्रम पैदा करने वाला होता है, भ्रम पैदा करने वाला होता है। इन्हीं लाइनों को आधार बना करके हम लोग अपना पूरा डिस्कशन अब करने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले मेरी बात को समझिए, मैं कोशिश ये करूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा आपके सामने ले आऊँ, क्योंकि जब इन दोनों शब्दों की वैज्ञानिक परिभाषा आपके सामने आ जाएगी तो आप इनके मध्य के जो अंतर संबंध हैं या इनके जो बीच के संबंध हैं आप उनको बहुत आसानी से समझ सकते हो। मुझे लगता है कि आपको फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जो आपका उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद में जो विकास शब्द है वो भ्रम पैदा करने वाला होता। आखिर इनके मतलब क्या है आप हम समझते हैं। देखिए क्या है, आप एक बात देखना, मैंने आपको यहाँ पे ये जरूर बताया कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। ये मैं आपसे बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, बेसिकली एक प्रकार का इकोनॉमिक रिलेशन होता है, मूलतः एक प्रकार का आर्थिक संबंध है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि मूलतः एक आर्थिक संबंध होने के बाद, है ना, बावजूद भी साथ ही साथ एक आर्थिक संबंध होने के बावजूद साथ ही साथ ये क्या करता है, ये राजनीतिक मूल्यों, ठीक है साथियों, ये क्या करता है आपके प्रशासनिक मूल्यों और ये क्या करता है आपके सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों, इन सभी को भी प्रभावित करते हुए चलता है। बेसिकली तो आपको यही समझना है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से आर्थिक संबंध होने के बावजूद ये क्या करता है, राजनीतिक मूल्यों, प्रशासनिक मूल्यों या सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों, इन सभी को भी साथ ही साथ प्रभावित करते हुए चलता है। इन सभी को भी क्या करेगा, साथ ही साथ प्रभावित करते हुए चलता है। अब एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है,
उपनिवेशवाद एक मूलतः आर्थिक संबंध है और मैंने आपको बताया कि साथ ही है वो राजनीतिक मूल्यों, प्रशासनिक मूल्यों, सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों, इन सभी को भी प्रभावित करते हुए चलता है। अब मेरी बात को आप लोग समझना, इस लाइन को हम लोग बाद में उठाएंगे कि उपनिवेशवाद में विकास शब्द एक भ्रम पैदा करता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपके लिए एक प्रॉपर एक कच्चे माल के रूप में कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसको आप मुख्य परीक्षा में जिस प्रकृति का प्रश्न आपसे पूछा गया है उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे फिट करेंगे, है ना। सामान्यतः यही होता है कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मुख्य परीक्षा के बारे में अगर आप बात करोगे तो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको कच्चे माल के रूप में आपके पास एक प्रॉपर सिनॉप्सिस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर सिनॉप्सिस होगा तो आप मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उनके संदर्भ में आपको कभी भी हारना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से उनको डील कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस चीज़ में कि मैंने आपको ये बताया है इसमें सबसे पहले कि जो उपनिवेशवाद होता है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। अब हम लोग ने क्या देखा कि उपनिवेशवाद क्या है, मूलतः एक आर्थिक संबंध है। पहले इसको देखते हैं कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। उपनिवेशवाद मूलतः एक क्या है, आर्थिक संबंध है, ठीक है। अब देखिए, आप एक बात देखिए, जब उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, इसमें बात क्या हो रही है, एक संबंध की बात हो रही है। अब जब संबंध की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि मूलतः अगर ये आर्थिक संबंध है तो आर्थिक संबंध का मतलब क्या होगा, कि मूलतः अगर ये आर्थिक संबंध है तो किसके मध्य है, मूलतः अगर ये आर्थिक संबंध है तो ये किसके मध्य है, किसके मध्य ये आर्थिक संबंध है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ हमें लेके चलना होता है जिसको हम कहते हैं उपनिवेश, उपनिवेश, और एक तरफ हमें लेके चलना हो जिसको हम कहते हैं उपनिवेश, उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश। अब देखिए है क्या, ये जो आपका उपनिवेश है इसे आप दो तरह से आप इसको संबोधित कर सकते हो। पहला तो आप या तो इसको कह लो आप कोई विकसित देश, या तो आप इसको क्या कह लो, कोई विकसित देश कह लो, या फिर आप इसको क्या कह लो, कोई शक्तिशाली देश कह लो। आप इसको या तो विकसित देश कह लो या फिर आप इसको क्या कहोगे, शक्तिशाली देश कहोगे। और ये जो आपका उपनिवेश होता है, या तो आप इसको अल्प विकसित देश कह लो, या तो आप इसको अल्प विकसित देश कह लो, या फिर आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कमजोर देश कह लो, या फिर आप इसको क्या कह लो, कमजोर देश कह लो। ठीक है, क्या है कि मूलतः एक आर्थिक संबंध है। जब हम संबंध की बात करेंगे तो हमारे सामने अपने आप से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि संबंध तो भी किसके मध्य है, किसके मध्य है, उपनिवेश, उपनिवेश और किसके मध्य है, उपनिवेश के मध्य है। अब यहाँ पे उपनिवेश का अभिप्राय क्या हो सकता है, उपनिवेश का अभिप्राय हो सकता है ये तो आप इसको कोई विकसित देश कह लो या फिर आप इसको कोई शक्तिशाली देश कह लो। और यहाँ पे जो आपका उपनिवेश है, उपनिवेश का अभिप्राय क्या हो सकता है कि या तो आप इसको अल्प विकसित देश कह लो या फिर आप इसको कमजोर देश कह लो, ठीक है। आर्थिक संबंध है तो किसके मध्य, अब हम ये देखते हैं कि ये जो आर्थिक ये जो संबंध होता है इस संबंध का आधार क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि इस संबंध का आधार क्या होता है, कि आखिर इस संबंध का आधार क्या है, आधार क्या है, ठीक है। तो जब हम ये देखेंगे कि इस संबंध का आधार क्या है तो आप एक बात देखिए, इस संबंध का आधार क्या है तो आप एक बात देखिए कि दो शब्द मैं आपको लिख देता हूँ, एक शब्द आपको मिलेगा नैतिकता, नैतिकता, या एक आपको मिलेगा शोषण, क्या मिलेगा, शोषण, ठीक है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, तो ये तो हमने देखा कि किस किस के मध्य ये आर्थिक संबंध हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये जो इसका आधार क्या होता है, तो देखो इसका आधार कभी भी नैतिकता नहीं होती, इसका आधार कभी भी नैतिकता नहीं होती, इसका आधार हमेशा क्या होता है, इसका आधार हमेशा क्या होता है, शोषण होता है। आप एक बात देखिए कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियाँ, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां जिनका आगमन भारत में हुआ वो उपनिवेशवाद की इसी अवधारणा से प्रेरणा पा रही थी। अगर मान लीजिए हम माने कि उपनिवेशवाद का आधार, उपनिवेशवाद में जो संबंध हैं उस संबंध का आधार अगर नैतिकता हो, तो देखो अगर नैतिकता होगा तो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या था,
कि भारत में व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देना। तो अगर इसका इस संबंध का आधार नैतिकता होता तो केवल और केवल भारत में व्यापारिक गतिविधियों को ही अंजाम देते रहते हैं। लेकिन आप लोग भलीभांति इस बात को जानते हैं कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनी में आपका, विशेषकर जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, आपके पुर्तगाली हैं या आपके फ्रांसीसी हैं, इन सभी ने हमारे यहाँ पर अपना एक पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश किया था। और जब आप इन तीनों की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर यानी कि भारत पर, ठीक है, तो क्या किया, अपना एक पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और वो राजनीतिक नियंत्रण ऐसा स्थापित हुआ कि आने वाले लगभग 350 सालों तक उन लोगों ने हमको शासित किया। तो अगर इस संबंध का आधार नैतिकता रही होती तो केवल और केवल ये जो आपके यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां हैं ये केवल भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों को ही संचालित करके रखती। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये किया, हमारे और राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर भी किया, है ना। और विशेषकर जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव, है ना, एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सिस्टमेटिक अपना पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश किया। तो नैतिकता तो इस संबंध का आधार नहीं हो सकता। सीधी से बात है, इस संबंध का आधार क्या होगा, शोषण होगा, ठीक है। अब देखिए शोषण कैसे है। शोषण ऐसे है कि जब आप इसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा की ओर बढ़ोगे, यानी कि उपनिवेशवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा क्या हो सकती है, जब आप इस ओर बढ़ोगे तो ये तो हमने जान लिया है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। लेकिन आप एक बात देखिए, वैज्ञानिक परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे कि उपनिवेशवाद, है ना, आप देखिए मेरी बातों को सुनना, उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा क्यों है, क्योंकि मूलतः यह एक प्रकार का आर्थिक संबंध होता है, लेकिन आर्थिक संबंध होने के बावजूद साथ ही साथ यह अन्य प्रकार के मूल्यों को भी प्रभावित करते हुए चलता है। अन्य प्रकार के मूल्यों के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे आपका राजनीतिक मूल्य हो सकता है, जैसे आपका प्रशासनिक मूल्य हो सकता है, जैसे आपका सामाजिक एवं धार्मिक मूल्य हो सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत आपको यहाँ से करनी है कि उपनिवेशवाद, है ना, एक विस्तारवादी अवधारणा है। विस्तारवादी अवधारणा इस नाते है क्योंकि मूलतः यह एक प्रकार का आर्थिक संबंध होता है, लेकिन आर्थिक संबंध होने के बावजूद यह अन्य प्रकार के मूल्यों को भी साथ ही साथ प्रभावित करते हुए चलता है। अगली बात, उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से, यहाँ औपनिवेशिक शक्ति का अभिप्राय क्या है कि या तो विकसित देश कह लो आप उसको, या आप उसको क्या कहोगे, शक्तिशाली देश कहोगे। उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से, उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से जब अपने आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए या जब अपने आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किसी उपनिवेश के संसाधनों का दोहन किया जाता है, तो यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। मैं एक बार और आपके सामने इस चीज़ को बोल देता हूँ कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से, क्योंकि वह क्या है, विकसित है, शक्तिशाली है, किसी औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से किसी उपनिवेश के संसाधनों का अपने आर्थिक लक्ष्यों या अपने आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए खाली प्रयोग न किया जाए, शोषण किया जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद। इसको आप क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद आप इसको कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उपनिवेशवाद जो एक एक अवधारणा के रूप में आप इसको लेके चलें, इसी से प्रेरणा पा करके कि जो आपका यूरोपियन व्यापारिक कंपनी है उनका भारत में आगमन हुआ, है ना, और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों को साधने की कोशिश की, ठीक है। तो वैज्ञानिक परिभाषा मैंने आपके सामने ला दी है और मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, तो किसके मध्य है, उपनिवेश के मध्य है और उपनिवेश के मध्य है। यहाँ पर उपनिवेश और उपनिवेश का अभिप्राय क्या हो सकते हैं कि या तो आप इसको विकसित देश कह लो या फिर आप इसको शक्तिशाली देश कह लो। यहाँ पर उपनिवेश का अभिप्राय क्या हो सकता है, या तो आप इसको अल्पविकसित देश कह लो या फिर आप इसको क्या कह लो, कमजोर देश कह लो,
ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये जो संबंध आप लोग लेके चलेंगे उपनिवेशवाद में, जिस संबंध की बात हम करते हैं, जो मूलतः संबंध जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसका आधार नैतिकता कभी नहीं होता। उसका आधार क्या होता है? हमेशा शोषण होता है। वही मैंने परिभाषा में आपको बताया कि जब ये औपनिवेशिक शक्ति जो यहाँ पे होगी, ये अपने इस स्टेटस का यूज करते हुए, क्योंकि ये क्या विकसित है, शक्तिशाली है, क्योंकि आपको इसमें आधार क्या दिखाना है, आपको इसमें आधार दिखाना शोषण। तो शोषण जब आधार आप गिना के चलोगे तो यहाँ पे आपको इसके स्टेटस को भी काउंट करना पड़ेगा, है ना, कि जब उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से, है ना, किसी उपनिवेश के, है ना, किसी उपनिवेश के, या आप इसको ऐसे कह लो कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत जब किसी विकसित देश द्वारा किसी अल्पविकसित देश के संसाधनों का आर्थिक दोहन किया जाता है, या संसाधनों का दोहन किया जाता है अपने आर्थिक लक्ष्यों या अपने आर्थिक लाभों को पूरा करने के लिए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। अब देखिए अगली बात हमें क्या करनी है, अगली बात हमें ये करनी है कि जो आपका ये उपनिवेशवाद होता है, अब हमें इसको रिलेट करना है। अब हम उपनिवेशवाद को रिलेट करेंगे। उपनिवेशवाद को रिलेट जब हम करेंगे, वो करेंगे हम लोग साम्राज्यवाद के साथ। किसके साथ? साम्राज्यवाद के साथ। उपनिवेशवाद को रिलेट अब हमें किसके साथ करना है? साम्राज्यवाद के साथ करना। आप एक बात देखो, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साम्राज्यवाद का एक बहुत ही सामान्य अभिप्राय, इस शब्द का एक बहुत ही सामान्य अभिप्राय क्या होता है, इस शब्द का सामान्य अभिप्राय क्या है, ठीक है। देखो, इस शब्द का सामान्य अभिप्राय ये है कि ये जो शब्द है ये भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार से जुड़ा हुआ होता है। भौगोलिक क्षेत्रों में है ना, भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार से जुड़ा हुआ है, है ना। अब देखो, इसको समझते हैं, फिर इसको रिलेट कर देंगे हम किसके साथ? उपनिवेशवाद के साथ। देखिए, मान लीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कोई ए है, क्या ए है, और ए को हमने कहा कि मान लीजिए क्या है, राजा है। अब अगर ए को अगर हम राजा माने, ए को अगर हम लोग राजा मान के चलें, तो मतलब राजा है तो मतलब ये है कि इसके पास एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसके पास ऐसे क्या होगा, एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसके पास ऐसे क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है समझने की, वो ये है कि ये जो राजा है जिसके पास ये भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र पर इसका प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण है। हम ये मान के चल लेते हैं कि प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण है, ठीक है। अब अगर यही जो राजा है अपने इस भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहे, आपने इस भौगोलिक क्षेत्र को ऐसे कोई विस्तारित रूप देना चाहे, तो आपने ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में विस्तारित रूप देने की मंशा, जहां पर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण पहले से ही है, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे साम्राज्यवाद, है ना। सामान्यतः मैंने आपको पहले यही बता दिया था कि इसका सामान्य अभिप्राय यही होता है, साम्राज्यवाद का सामान्य अभिप्राय यही होता है कि भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार से जुड़ा हुआ है, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राजा की भूमिका में है, है ना, और अगर कोई राजा की भूमिका में है तो उस संदर्भ में आपको एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करनी होगी। और यह भौगोलिक क्षेत्र मैं कैसा आपको बता रहा हूँ कि यह एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिस पर इस राजा का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण पहले से ही है। लेकिन अगर ये राजा ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार की मंशा पाल ले, ठीक है, तो इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आपको कहना पड़ेगा कि ये क्या है, साम्राज्यवाद है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा। आगे हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो आपका उपनिवेशवाद है, तो उपनिवेशवाद के साथ साम्राज्यवाद का क्या संबंध है। अगर हम इनके मध्य के संबंधों को देखें कि इनके मध्य संबंध कैसा है, तो अगर आपको संबंध की चर्चा करनी हो तो आखिर हमको देखना पड़ेगा कि भाई ये संबंध क्या है। देखिए, दोनों की एक वैज्ञानिक परिभाषा आपके सामने आ गई है। अब हम लोग संबंध की बात करेंगे। संबंध का मतलब क्या, देखिए हमने पहले ये डिस्कस किया था कि उपनिवेशवाद क्या है, मूलतः एक आर्थिक संबंध है। उपनिवेशवाद क्या है, मूलतः एक आर्थिक संबंध है। मूलतः एक क्या है, आर्थिक संबंध है,
आर्थिक संबंध है। लेकिन होता क्या है कि इसमें ये आर्थिक संबंध हमने किस किस के बीच दिखाया, आर्थिक संबंध हमने दिखाया कि उपनिवेश, हमने यह जो आर्थिक संबंध की चर्चा की थी उपनिवेश तथा उपनिवेश के मध्य हमने की थी, है ना, ठीक है। उपनिवेशवाद की वैज्ञानिक परिभाषा में हमने क्या देखा था कि जब ये उपनिवेश या जब ये आपका औपनिवेशिक शक्ति है, यह अपने आर्थिक लाभों या आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपनिवेश के संसाधनों को दोहन करे, और संसाधनों को दोहन करने की बात आएगी तो आधार शोषण अपने आप ही जुड़ जाएगा, संसाधनों को दोहन करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपनिवेशवाद। लेकिन अब यही जो आपकी औपनिवेशिक शक्ति है, यही जो आपकी औपनिवेशिक शक्ति है, जब इस उपनिवेश पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में आगे बढ़े, तो उसे आप क्या कहेंगे कि अब उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद शामिल हो चुका है। अब उपनिवेशवाद में क्या हो गया है, साम्राज्यवाद शामिल हो गया है। यानी कि जब कभी औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से उपनिवेश के संदर्भ में, यानी कि यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के संदर्भ में यह जो उपनिवेश अपना व्यवहार करने लगे, तो तभी आपको ये कहना पड़ेगा कि अब उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद आ गया है। यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के मध्य का संबंध क्या है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के मध्य का संबंध क्या है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, अगर हम केवल उपनिवेशवाद की बात करें, हमने क्या कहा उपनिवेशवाद की बात हमने की, तो हमने ये देखा कि उपनिवेशवाद में क्या है, हमने बताया कि यह एक प्रकार का मूलतः एक क्या है, आर्थिक संबंध है, यह मूलतः एक क्या है, आर्थिक संबंध है, ठीक है, आर्थिक संबंध है जिसका आधार हमने आपको बताया, वो आधार क्या हो गया, आपका शोषण हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप एक बात देखो, जब आप क्या करोगे, आप जब इन दोनों को जोड़ दोगे कि उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद के अंदर समाहित करके आप लोग प्लस करके साम्राज्यवाद को जोड़ दोगे, तो मतलब ये आ जाएगा कि इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी कि आर्थिक संबंध तो हम लोग उपनिवेशवाद के अंतर्गत लेके चल ही रहे थे कि आर्थिक संबंध है ना प्लस और राजनीतिक नियंत्रण, प्लस क्या हो जाएगा और राजनीतिक नियंत्रण, है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपके दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्द जो हैं आपस में जुड़े हुए भी हैं, आपस में क्या है, एक प्रॉपर इनके अंदर एक कनेक्टिविटी आपको दिखाई देती है। यानी कि जब कोई उपनिवेशवाद के अंतर्गत जब कोई औपनिवेशिक शक्ति अपनी उपनिवेश पर एक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की ओर आगे बढ़े, तो इसी को आप क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद। यानी कि अब आप क्या कहेंगे कि उपनिवेशवाद के साथ साथ साम्राज्यवाद भी अपना व्यवहार करने लगा है। तो ये दोनों शब्दों की एक वैज्ञानिक परिभाषा मैं आपके सामने लेके आया, और मैंने आपको ये भी बताने की पूरी कोशिश की कि ये जो आपका उपनिवेशवाद है, आखिर इसका साम्राज्यवाद से संबंध क्या है, या साम्राज्यवाद का उपनिवेशवाद के साथ संबंध क्या है। अब पहली लाइन जो हमारी थी, हमारी पहली लाइन क्या हो गई है, पूरी प्रूफ हो गई है। अब हम एक काम करते हैं, हम दूसरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी लाइन मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका उपनिवेशवाद होता है, हमने आपको यह बताया था कि जो आपका उपनिवेशवाद होता है उसमें जो विकास शब्द है, उसमें जो आपका विकास शब्द है, तो विकास शब्द क्या है, भ्रम पैदा करने वाला होता है। विकास शब्द क्या है, भ्रम पैदा करने वाला होता है। विकास शब्द भ्रम पैदा करने वाला होता है, ठीक है। अब इसको समझना हमें कि आखिर ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है, है ना, आखिर, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे तो मुझे लगता है कि जो आपका एग्जामिनर है, ये जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता है, कि आपकी बातों को भली भांति से समझेगा, क्योंकि आपने उपनिवेशवाद के अंदर ही एक नई बात लिख डाली है। हमने ये देखा यहाँ पे, हम इसको देखेंगे अभी कि उपनिवेशवाद में जो विकास शब्द होता है वो भ्रम पैदा करने वाला होता है। आखिर ये चीज़ क्या है, अब इसको आप लोग देखिए, समझिए, देखिए कैसे भ्रम पैदा करने वाला होता है। हम लोग ने देखा कि एक तरफ हम लोग क्या लेके चले, उपनिवेश,
और एक तरफ हम लोग क्या लेके चले, उपनिवेश, उपनिवेश। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर देखिए उपनिवेश और उपनिवेश, यहाँ पे हमें ये देखना है कि आखिर ये जो संबंध है, इस संबंध में जो ये विकास शब्द होता है, इस संबंध में जो विकास शब्द होता है, ये विकास शब्द भ्रम कैसे पैदा करता है। देखिए है क्या, आप एक बार देखिए यहाँ से उपनिवेश को उठाइए। अब देखिए मान लीजिए मैं अगर आपके सामने लिखता हूँ कि रेलवे, है ना, यानी कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे उपनिवेश या औपनिवेशिक शक्ति का अभिप्राय क्या हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया। उपनिवेश का अभिप्राय क्या हो गया, आपका भारत हो गया। तो हमने उठा लिया कि भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, भारत में रेलवे का प्रारंभ एवं विकास। तो आप एक बात देखिए, अगर आप इस बात को यहाँ पर टैली करोगे, क्योंकि भारत में रेलवे का प्रारंभ और जो इसका उस समय जो विकास किया गया तो इस औपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से किया गया। अब आप एक बात देखो, भारत में रेलवे का प्रारंभ और विकास जो है उसके क्रम में संसाधन किसका प्रयोग हो रहा है, तो संसाधन प्रयोग किसका होगा, संसाधन तो इसका प्रयोग हुआ, संसाधन किसका प्रयोग हुआ, संसाधन इसका प्रयोग हुआ, संसाधन किसका प्रयोग होगा, संसाधन आपका उपनिवेश के संसाधनों का प्रयोग होगा, ठीक है। रिसोर्सेज किसके यूज होंगे, आपके कॉलोनी के होंगे। अब अगर हम इसी बात को यहाँ पे जोड़ना चाहें तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि भारत में रेलवे का प्रारंभ और जो रेलवे का विकास है, है ना, वो एक औपनिवेशिक शक्ति जिसका अभिप्राय हमने यहाँ पे क्या लिया, ब्रिटेन, उसके माध्यम से किया गया, और इस क्रम में जो संसाधन प्रयोग हुए, संसाधन भारत के प्रयोग हो गए, यानी कि भारत जो उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश है उसके संसाधनों का प्रयोग उस समय किया गया। अब देखो यहाँ पे ये भ्रम कैसे पैदा करेगा, क्योंकि आपको ये तो पता है कि रेलवे का प्रारंभ और जो इसका विकास है तो विकास तो हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आखिर ये विकास भ्रम कैसे पैदा कर रहा है। हम लोग ये मान के चले, हम लोग क्या मान के चले कि भारत में उस समय जो रेलवे का प्रारंभ और जो विकास किया गया, क्या वो भारतीयों के लिए था, क्या वो भारतीयों को लाभ, एक प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए था, आखिर इसके पीछे की सही वजह क्या है। आप एक बात देखो कि उस समय रेलवे का प्रारंभ और जो विकास किया गया उसके, आप लोग सबसे पहले आप लोग इसके प्रत्यक्ष लाभ की बात करो कि इसका प्रत्यक्ष लाभ उस समय किसको मिला, है ना, उस समय इसका जो प्रत्यक्ष लाभ मिला इस औपनिवेशिक शक्ति को मिला। कई बार हम लोग ये आज तक भी हम लोग ये बात देखते हैं कि भाई स्पेशली जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भारत में जो रेलवे का प्रारंभ किया, विकास किया, वो हमारे लिए आज भी क्या है, भारत में जो इंडियन रेलवे का स्टेटस है उसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ये बात एकदम राइट है, लेकिन हम लोग को यहाँ देखना है कि रेलवे के प्रारंभ और विकास के क्रम में जो विकास शब्द है वो उपनिवेशवाद के अंतर्गत भ्रम कैसे पैदा करेगा। आपके सामने कहानी स्पष्ट है कि ये जो आपका औपनिवेशिक शक्ति है इसने अपने उपनिवेश के संसाधनों का इस्तेमाल किया और संसाधनों का इस्तेमाल करने के क्रम में भारत में रेलवे का प्रारंभ और उसका विकास भी किया गया। लेकिन आपको ये देखना है कि इसका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिला। देखिए इसका जो प्रत्यक्ष लाभ मिला वो औपनिवेशिक शक्ति को मिला, लेकिन कैसे मिला, इसका जो प्रत्यक्ष लाभ है औपनिवेशिक शक्ति को कैसे मिला। आप एक बात देखिए कि जो ब्रिटेन में आपका औद्योगिक क्रांति उस समय हुआ, और आप लोग भली बात इस बात को जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर, है ना, वस्तुओं का उत्पादन हुआ, और जो बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसके लिए बाज़ारों की आवश्यकता महसूस की गई, और बाज़ारों की आवश्यकता जो महसूस की गई उसी को पूरा करने के लिए ये लोग अपने उपनिवेशों की ओर बढ़े। उसी क्रम में एक भारत का अध्ययन भी आपको देखना है। अब देखो ब्रिटेन में जो आपका औद्योगिक क्रांति हुआ उसमें क्या हुआ, यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन हो गया, यहाँ से यहाँ तक वस्तु बहुत आराम से आ गई। लेकिन अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये वस्तु यहाँ तक तो आ गई है, अब इस वस्तु को आप भारत के आंतरिक बाज़ारों में या आंतरिक भागों में आप इसको कैसे भेजोगे। अगर आप इस वस्तु को भारत के आंतरिक भागों में इसकी सप्लाई अगर आप लोग करना चाहते हो तो सबसे पहली बात है कि आपके पास यातायात की सुविधा होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, यातायात की प्रॉपर वे में आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास यातायात की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जब भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ या रेलवे का विकास आप कह लो,
ठीक है। तो अब हुआ क्या कि रेलवे का जो विकास हुआ, रेलवे का जो भारत में जाल बिछाया गया, उससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट की एक फैसिलिटी उपलब्ध हो गई, भारत में यातायात की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो गई। और इसका प्रत्यक्ष लाभ यही मिला कि जो आपका ब्रिटेन के उद्योगों में जो वस्तु यहाँ बन रही है, वो वस्तु यहाँ से यहाँ तक तो आ जा रही है, लेकिन अब आप उसको भारत के आंतरिक भागों में कैसे भेजोगे। तो आंतरिक भागों में रेलवे ने सुविधा दी, यानी कि जब रेलवे का जाल बिछ गया भारत में, तो उससे भारत के आंतरिक भागों में इस वस्तु को पहुँचाना बड़ा आसान हो गया। तो कहानी तो एकदम स्पष्ट है कि अगर रेलवे का प्रारंभ और रेलवे का विकास लेके चलोगे, संसाधन तो उपनिवेश के यूज हुए, संसाधन तो भारत के यूज हुए, लेकिन रेलवे के प्रारंभ, रेलवे के विकास ने प्रत्यक्ष लाभ किसको दिया, प्रत्यक्ष लाभ किसको दिया, औपनिवेशिक शक्ति को दिया। तो हम लोग कई बार ये मान के चल रहे थे कि भारत में रेलवे का विकास हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसके पीछे ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, ये हम लोगों का कोई डेवलपमेंट चाहते थे, है ना। हम लोगों को भी लाभ मिला, हम लोगों को लाभ इस क्रम में मिला कि जब ये यातायात की सुविधा नहीं थी, तो उससे पहले क्या था कि हम लोगों में कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती थी, यानी कि एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है। तो उसका एक नकारात्मक एक परिणाम ये निकल के आ रहा था उस समय कि क्योंकि भारत में यातायात की कोई उचित व्यवस्था ना होने के कारण भारतीयों में आपसी संपर्क कम हुआ, विचारों का आदान प्रदान कम हुआ। लेकिन जब रेलवे के रूप में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भारत में आई, तो उससे भारतीयों के बीच आपसी संपर्क बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और जब ये विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो इसी विचारों के आदान प्रदान में आगे चलकर राष्ट्रवाद में, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभ और विकास में क्या हुआ, एक महती भूमिका अदा की। तो हम लोगों को ये उस समय लाभ मिला, और आप लोग ये जानते हैं कि रेलवे का प्रारंभ जो उस समय विकास किया गया, उसका दूरगामी लाभ आज तक हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये जो रेलवे का प्रारंभ और विकास जो भारत में किया गया था, ये औपनिवेशिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो औपनिवेशिक शक्ति के लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को साधने की कोशिश थी। तो इस क्रम में जो प्रत्यक्ष लाभ उस समय मिला, वो केवल और केवल औपनिवेशिक शक्तियों को मिला। तो हमारा यह मानना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे के प्रारंभ और विकास के क्रम में ब्रिटिशर्स हम लोगों का कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, या हम लोगों को कोई ट्रांसपोर्ट की कोई एक व्यवस्थित एक सुविधा हमको देना चाहते हैं, तो यह मानना ही एक भ्रम है। इसलिए मैंने लिखा था कि उपनिवेशवाद में जो विकास शब्द है वो भ्रम पैदा करता है। इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लूँगा, उससे आप लोग और भी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, अब मान लीजिए हम ये बात करें कि उस समय विशेषकर जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक सुधारों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्थिक सुधार हैं, तो आर्थिक सुधारों में आप लोग क्या पढ़ते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक सुधारों में आप लोग क्या पढ़ते हो, भू राजस्व, भू राजस्व संबंधी सुधार, भू राजस्व संबंधी सुधार। और ये भी एक प्रकार का क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था, ये भी एक प्रकार का क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत और भी कुछ बातें हमने यहाँ पे उठाया कि भू राजस्व संबंधी सुधार। अब देखो, भू राजस्व संबंधी सुधार का उद्देश्य क्या है, भू राजस्व संबंधी सुधार का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को जगह दी जाए जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली कर पाएं, जिससे कि आप लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली की जाए। मतलब आप एक बात देखो, चाहे तो आपका रेतवाड़ी सिस्टम हो, या उससे पहले आपका स्थायी बंदोबस्त हो, या आपका महलवाड़ी सिस्टम हो, है ना, इनको हम लोग क्या कहाँ गिनते हैं कि कंपनी के माध्यम से जो भारत में भू राजस्व की वसूली संबंधी सुधार किए गए। तो एक प्रकार का सुधार है। सुधार है तो मतलब क्या है कि उस समय का जो भारत है, जो ब्रिटेन की कॉलोनी है, है ना, उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट हो रहा है, एक रिफॉर्म हो रहा है, एक सुधार हो रहा है। अगर हम ये माने कि ये उस समय का जो भारत है, उस समय की भारत की जो आपका एक आर्थिक परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य में एक सुधार करना था, तो ये मानना एक भ्रम है। उस समय का जो भारत है, उसके आर्थिक परिदृश्य में सुधार करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य केवल यही था कि हम लोग किस प्रकार की नीतियाँ बनाएं जो इस बात को सुनिश्चित कर पाएं कि हम लोग भारत से अधिक भू राजस्व की वसूली कर पाएं।
तो मेरा ये लाइन भी एकदम प्रूफ होता है कि उपनिवेशवाद में जो आपका विकास शब्द है वो एक भ्रम पैदा करने वाला है। हम उसको कुछ अलग तरीके से लेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, तो भ्रम पैदा करेगा, लेकिन उसका प्राथमिक और मुख्य लक्ष्य क्या होता है, वो केवल औपनिवेशिक और औपनिवेशिक शक्ति को ही लाभ पहुँचाना होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से आपको उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की वैज्ञानिक परिभाषाएँ मैंने आपको बताई, और मैंने आपको ये भी बताया कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के मध्य अंतर संबंध क्या हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि उपनिवेशवाद में जो विकास शब्द है वो एक प्रकार का भ्रम पैदा करने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा होगा, और आप इसको बार बार वीडियो को देखें। ठीक है, जो भी डिस्कशन हमने किया उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और मुख्यतः उद्देश्य यही था कि मुख्य परीक्षा के को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक कच्चा माल रख दिया जाए, और प्रश्न जैसा परीक्षा में व्यवहार करेगा उसके बाद आप लोग इस कच्चे माल का इस्तेमाल करना। धन्यवाद।